मध्य प्रदेश सरकार जहां शराब को लेकर बढ़ावा दे रही है, जगह जगह नई नई शराब दुकानें संचालित कर रहे हैं, वहीं पर भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव जाकर शराब से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दे रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से गांव गांव में बिक रही अवैध शराब का विरोध भी कर रहे हैं, जिसको लेकर जबलपुर जिले के शाहपुरा में अवैध शराब के विरोध में 4 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर एसडीएम और साथ ही में शाहपुरा तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि बेलखेड़ा, शाहपुरा और बेड़ाघाट, चरगवा, कटंगी, पाटन आदि थाना क्षेत्र में शराब दुकान के कर्मचारी गांव गांव शराब लेकर जा रहे हैं और बेच रहे हैं। संगठन के लोग अगर शराब पकड़कर थाने लाते हैं तो पुलिस को कार्रवाई करने में बड़ी तकलीफ होती है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि यह पूरा गोरखधंधा पुलिस की शह पर चल रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों लोगों ने बैनर तले फ्लैग मार्च करते हुए एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा गया है कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग हजारों की संख्या में कार्यालय का घेराव करेंगे। कार्यक्रम में शामिल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव, तहसील अध्यक्ष आशीष ठाकुर, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा अनीता पटेल, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा नवल सिंह ठाकुर, तहसील अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर, प्रचार मंत्री श्रीकांत दुबे और सरपंच शोभा राम पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। कल्याण संगठन है, ये देश के लिए बहुत अच्छे संगठन है, काम भी अच्छा कर रहा है। और जो गाँव में बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों है, तो अभी दिल्ली में चल रहा है कि ये शराब ज़्यादा बेचते हैं, भाजपा कर रही वहाँ, और जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ भाजपा ज़्यादा कर रही है। हम लोग जैसे बिहार में महाराज जी का आदेश था तो हम लोग सब महिलाओं के सारे लोगों की सम्मति से पूरे बिहार के अंदर शराब बंद है, तो ऐसे मध्य प्रदेश में या किसी जगह पर क्यों नहीं की जाती है? यहाँ गाँव-गाँव में गली गली में 5-5 दुकानें खोल करके और ये गली गली हर लड़कों के लिए शराबबंदी करा रहे हैं। और गांव में व्यवस्थाएं, महिलाएं इतनी ज़्यादा पीड़ित हैं, हर गांव में उनकी समस्याएं सुनो तो लगता है कि ये प्रशासन सब सो रहा है। यहाँ टीआई हो चाहे एसडीएम हो, इनकी क्या वखात है और क्या भुंडियान है कुछ कार्रवाई करने की, क्योंकि यहाँ बड़े अधिकारियों को मिलकर के काम होता है। ये तो ऐसा काम करते हैं जो काम जो बेचारे लाचार लोग उन पर कार्रवाई करते हैं, और जो असली दमनकारी नीति है वो सारे लोग शराब माफियों के साथ और यहाँ पैसा लेकर के गांव-गांव दारू शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। जंग बहादुर सिंह सैफ पटेल, ग्राम भमकी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, भारतीय पार्टी। मैं स्व सहायता समूह की सीआरपी और समाज सेवी अनिता पटेल हूँ। मैं हर गांव में समूह बनाने जाती हूं तो सभी गांव में दीदियों की आवाज़ उठती है कि दीदी सबसे पहले तो आप इस शराब का व्यापार बंद कीजिए, हम इस नशे से इतने परेशान हैं कि हम कुछ करना भी चाहते हैं तो हमारे पति हम शाम को आकर मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों की पढ़ाइयों में भी परेशानी आ रही है। तो इसलिए हमारा आप एसडीएम साहब से नम्र निवेदन है कि इस अवैध शराब को जो गाँव-गाँव, क्योंकि शहर आने में तो उनको समय लगेगा, पर यहाँ से हमको आपने लाइसेंस दिया है सहप्रा का, लेकिन गांव-गांव शराब जाके बिक रही है और हम लोग पकड़ते हैं तो उसमें भी क्या बीच में जाके एसडीएम साहब, सॉरी क्या बोलते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं, वही बीच में रोक लगा देते और स्वयं एक पाव दारू पीते, स्वयं मैंने आँख से देखा, स्वयं पकड़ा है और उनका सहयोग करके और पैसे लेके आ जाते हैं। कोई सुनाई नहीं, 100 डायल करते हैं, 100 बंद हो जाते हैं, सीएम हेल्पलाइन में करते हैं तो वहाँ से शिकायतें बंद हो जाती हैं, इसके बाद हम लोग कॉल भी नहीं करते, शिकायतें बंद हो जाती हैं। आप बताइए कौन कॉल करता है,